हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। खबर गरम है, मैं कौन सी गर्मा गर्म खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, इसका अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। जी हां, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शोले फिल्म देखी है आपने? देखी होगी, नहीं देखी तो जय वीरू के किस्से तो सुने होंगे। दो दोस्त मिल जाते हैं तो गब्बर भी हार जाता है। हरियाणा के सियासत में भी दोस्ती का जिक्र हो रहा है। जेजेपी के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन होने को है और गठबंधन दोस्ती में तब्दील होगा नहीं होगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना तो तय है फिलहाल जेजेपी को आपसे मिलके अच्छा लगा। अच्छा तो लगा ही होगा सर, लीजिए लीजिए, मजा लीजिए, नए साथी मुबारक हो। वैसे साथ तो देने ये पहले भी आए थे लेकिन कोई करिश्मा हो नहीं पाया था। हो सकता है अब कोई चमत्कार हो जाए। खैर, जो होगा सो होगा, फिलहाल तो आपको अच्छा लग ही रहा होगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। सुखबुगाहट तो पहले से थी, कोशिशों का दौर भी चला, लेकिन आज जिसकी दोस्ती पर इतरा रहे हैं उनकी प्राथमिकता जेजेपी नहीं रही है। अब बोलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कांग्रेस के दरवाजे पर गठबंधन की गुहार लगाते रहे, फिर दुत्कारे गए, अब आपके पास आए हैं। अब भी कहेंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा? आपके सियासी दुश्मनों से दोस्ती करना चाहते थे, वहां दाल गली नहीं इसीलिए आपके पास आए हैं। अब आप फिर भी कहेंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा? आगे कुछ कहें उससे पहले जरा ये भी सुनिए। सिंचाई का घोटाला जो निकल के आया है वहां तो सारी पार्टियां मिली हुई हैं। कहते हैं चार काम हम क्या करते हैं, चार काम वो हमारे करते हैं। काहे का ऑपोजिशन, क्या ऑपोजिशन है? कोई ऑपोजिशन नहीं है। अंदर ऑपोजिशन में तो हम और आप हैं, बाकी सारे सत्ता के अंदर है। बीजेपी भी सत्ता में है, कांग्रेस भी सत्ता में है, शरद पवार भी सत्ता में, लालू यादव भी सत्ता में, मायावती भी सत्ता में, मुलायम सिंह यादव भी सत्ता में। हम लोग ऑपोजिशन में अंदर है। आज अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी इस देश के लिए बेहद खतरनाक है, उनको हराना बहुत जरूरी है। पूरा देश दो भागों में बना हुआ है, एक वो लोग हैं जो मोदी भक्त हैं जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो मोदी जी को हराना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो मोदी जी को हराना चाहते हैं बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपस में बटे हुए हैं, उन सबको साथ आने की जरूरत है। उनके बटे होने के कारण ही मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जीतती है। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है, 10 की 10 सीटों पे, और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को नेशनल लेवल पे हराने में इसका बहुत बड़ा सहयोग होगा। में जहां पे हम पिछली बार अच्छा वोट पाए थे, 1.5 लाख के आसपास वोट पाए थे, वहां हमको सीट नहीं देना चाहते। गोवा में जहां हमको 6% वोट मिला वहां सीट नहीं देना चाहते। दिल्ली में जहां उनके पास एक भी एमएलए और एक भी एमपी नहीं है वहां उनको 3 सीटें चाहिए। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का समझौता कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। अगर एक साथ आकर लड़ते तो निश्चित रूप से बीजेपी का नुकसान होता, बीजेपी हारती।
क्यों नहीं आप मोदी को रोकना चाहते, क्यों नहीं बीजेपी को रोकना चाहते, मेरी तो समझ के बाहर है। तो इसलिए ये सब कुछ जो कुछ भी कांग्रेस की ओर से हुआ है, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता हो नहीं सकता, संभव नहीं है। एक तरफा समझौता करने की जहां तक बात है, ये किसी भी तरह से नहीं हो पाएगा। सुना आपने, जिसको गालियां देकर सत्ता में आए थे उसी के दर पर माथा टेक आए, ऐसे दोस्त आपको मुबारक हो। वैसे आज खुश तो बहुत होंगे, आप लग तो रहे हैं, तो कहिए आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो दुष्यंत जी बोल चुके हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता बोल चुके हैं, गठबंधन लगभग लगभग तय है, सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवरात्रों में, नवरात्रे शुभ होते हैं, तो नवरात्रों में ही शुभ कार्य हो जाए, हमें उम्मीद है। जब गठबंधन होगा तो फिर दोनों ही जगह होगा, और दिल्ली के अंदर भी जननायक जनता पार्टी जो है वो कुछ सीटें ऐसी है जिसपे बड़ा अहम किरदार अदा करती है, हम उनकी वहाँ मदद भी करेंगे, जहाँ हमारे लायक हो पाएगा हम दिल्ली में उनकी मदद करेंगे, और आने वाले समय में विधानसभा के अंदर, दिल्ली के अंदर मजबूती से जेजेपी चुनाव भी लड़ेगी। हमारी जनता, गरीब, किसान, मजदूर, कमीरा, दलित, पिछड़ा, नौजवान, छोटा दुकानदार, ये हमारे स्टार प्रचारक हैं और हम वर्कर हैं, मिलकर के जो है ना किला फतेह करेंगे। गठबंधन क्या करेगा पता नहीं, क्या कमाल होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो जेजेपी जश्न मना ले और गा ले आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप मिले तो छक्का लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलिए, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये अच्छा अच्छे अच्छा वाला जो फीलिंग है वो कितने दिनों तक रहेगी, ये फीलिंग ये हमें नहीं मालूम। ये अब भविष्य के गर्भ में है कि दो पार्टियों के गठबंधन से हरियाणा की सियासत में कितना फर्क पड़ेगा।